नमस्कार दोस्तों, आज हमारे गैराज में आई है हीरो की HF डीलक्स FI वाली वेरिएंट। ये देखिए प्रोग्रामिंग FI। और इसमें क्या दिक्कत है, जैसे हम इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो ये देखिए इग्निशन ऑन किया, हमारी गाड़ी सेल्फ ले रही है, ये देखिए इस तरह से। और यही प्रॉब्लम है हमारी गाड़ी में, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने इसका वाइजर वगैरह पूरा ओपन करके रखा है, यहाँ पर वायरिंग वगैरह चेकआउट किया, लेकिन हमें कहीं पे यहाँ पे कुछ फॉल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं ये देखिए हमारी बैटरी इस तरह से डिस्चार्ज हो गई है और गाड़ी हमारी सेल्फ ले रही है। तो अगर किक से चालू करते हैं तो हमारी गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो जा रही है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा दूँ आप लोगों को, देखिए जैसे इग्निशन ऑन किया, हमने किक से चालू किया, हमारी गाड़ी प्रॉपर से स्टार्ट हो गई है। और जैसे इसको ऑफ़ करेंगे फिर ऑन करेंगे, ये देखिए फिर से हमारा जो सेल्फ है वो रेगुलर काम कर रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए हमने क्या क्या चेकआउट किया, यहाँ पे पूरी वायरिंग को खोल के रखा है और जो हमारा ये सेल्फ का स्विच रहता है इसको भी हमने चेकआउट किया, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिला। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना सेल्फ का जो हैंडल वाल स्विच रहता है, ये देखिए स्विच को भी हमने ओपन करके रखा है पूरी तरह से। और ये देखिए इसको हमने ओपन किया, ये बटन वगैरह ये देख लीजिए हमने इसको बाहर कर लिया है। और ये देखिए जो हमारा ये सेल्फ का स्विच रहता है ये प्रॉपर से ये दबा ही रह जाता है, देखिए ये दबा ही रह जाता है, ये बाहर नहीं फेंकती, ये देखिए। अगर हम इसको नाखून से पकड़ के खींचते हैं तो ये बाहर आ जाता है इस तरह से। चलिए इग्निशन ऑन करके दिखा दूँ, ये देखिए इग्निशन ऑन किया हमने और हमारा जो सेल्फ है वो काम नहीं कर रहा। जैसे इसको प्रेस करते हैं ये देखिए ये दबा ही रह जाता है, इसकी जो स्प्रिंग रहती है वो स्प्रिंग ख़राब हो चुकी है। ये देखिए इसको हमने उठा दिया, सही हो गया। कभी भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप सेल्फ के स्विच को ज़रूर से चेकआउट करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए हम इसकी सेल्फ की जो स्प्रिंग है इसको चेंज करते हैं और चेंज करके दिखाते हैं। नहीं तो अगर आपके पास स्प्रिंग नहीं है तो आप ये सेल्फ का जो स्विच रहता है इसको चेंज कर दें, ज़्यादा महंगा नहीं रहता, 100 रुपये के आसपास है, तो इसको चेंज कर लें। चलिए दोस्तों इसको चेंज करके नया लगा के यहाँ पे चेक करके दिखा दें आप लोगों को। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे नया स्विच असेंबल कर दिया है, ये देखिए हमारा सॉकेट स्विच का, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे एक नया स्विच असेंबल कर दिया है और एक्सीलेटर फ्री है, ये देखिए। चलिए इग्निशन ऑन करते हैं, देखिए इग्निशन ऑन किया और हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। जैसे हम पहले इग्निशन ऑन करते थे तो हमारी गाड़ी इग्निशन ले रही थी, जैसे इस तरह कर रही थी, ये देखिए। अभी हमारी बैटरी डाउन है और हम जैसे सेल्फ लेते हैं, देखिए हमारा जो सेल्फ है प्रॉपर से काम कर रहा है। और इस तरह की प्रॉब्लम होती है कभी भी आप लोगों को तो आप जो सेल्फ का स्विच रहता है इसको एक बार से चेकआउट ज़रूर कर लें और इस तरह से प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।